कितनी सुंदर हो यार तुम, एक मेरी पत्नी जानवर जैसी। तुम जैसी महिलाएं तो ना म्यूजियम में रखनी चाहिए, तुम्हें देखने के पैसे लगने चाहिए। शायद आपकी पत्नी बुला रही है। हाँ बुला तो रही है, चलो मैं जाता हूँ। सुनिए। हाँ बोलो, क्यों बुला रही थी? मैं वहाँ कुछ जरूरी बात कर रहा था। घर चलिए, आपकी चोटों पर आयोडेक्स लगा देती हूँ। चोटे? पर मुझे चोटे लगी कहाँ है? अभी हम घर पहुँचे भी कहाँ है। नहीं 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 बच्चों, सर्दियों की छुट्टियाँ खत्म हो गई है, चलो अपने अपनी सर्दियों की छुट्टियों के बारे में बताओ। मैम मैंने तो ना बस, मुझे पता चल गया सर। चलो मेरे सवाल का जवाब दो। पूछो। मौका किसे कहते हैं? मौका उसे कहते हैं जब बीवी के गाल पे मच्छर बैठा हो। मेरे सामने, आपके सामने, बिल्कुल मेरे सामने अच्छे अच्छों ने पानी भरा है। वाह क्या बात, मेरे सामने क्या बात, अच्छे अच्छों ने पानी भरा है क्योंकि सरकारी नल मेरे दरवाजे पे ही गड़ा है। वाह वाह। तुझे पता मनीष ने अपनी गर्लफ्रेंड का 300 का रिचार्ज कराया है? क्या, उस गरीब ने इतना का रिचार्ज करवाया? मेरे समोसे और कोल्ड ड्रिंक के पैसे तो अब तक वापस नहीं करे उसने, लेकिन तू क्यों इतना खुश हो रहा है? अब क्या बताऊं, वो जिस गर्लफ्रेंड का उसने रिचार्ज कराया ना, वो मैं ही हूँ फेसबुक पे एंजल प्रिया के नाम से। एक मेरी प्रोफाइल भी बना दे पापा की परी के नाम से। क्या दे ताली। मैं ज्यादातर लड़कों से बात नहीं करती। इनफैक्ट तुम पहले लड़के हो जिसे मैंने इतनी बातें की। इसकी बातों में मत आना, मुझे भी यही कहा था। कोई झूठ नहीं कह रही। झूठ बोल रही है तू। झूठ बोल रही है ये। बेटा क्या कर रहे हो? माँ के फालतू सवालों से बचने की ट्रिक ढूंढ रहा हूँ गूगल पे। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। अरे चमनलाल, आज तुम्हारे फोन में बड़े आई लव यू के मैसेज आ रहे हैं। वो बात नहीं है यार, गलती से अपनी बीवी का फोन लिया यार।